नमस्कार, सम्यक समाचार देख रहे हैं आप। 26 नवंबर 2023 दिन रविवार को जो कार्यक्रम होना है संविधान दिवस के अवसर पर, वो इस प्रखंड मुख्यालय के, दिखाएंगे जरा इधर, प्रखंड मुख्यालय के इसी अंबेडकर पार्क में होना है। तो यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, तैयारियां चल रही। आइए हम आपको यहाँ का तैयारियों का दृश्य दिखाते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह की तैयारियां हैं। लोगों से बातें करेंगे और फिर हम आपको ये सारा कुछ दिखाएंगे। देखिए, ये फील्ड है यहाँ का, जरा दिखाएंगे। ये फील्ड है और इसमें किस तरह की तैयारियां चल रही है। लोग काम कर रहे हैं, जोर शोर से तैयारी चल रही, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। तो आइए पहले यहाँ के लोगों से बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसी तैयारी है और क्या क्या होना है यहाँ पे। आइए जरा दिखाएंगे। क्या नाम है भैया? गणेश पासवान। पासवान जी हैं जी, ये तैयारी कर रहे हैं। किस चीज का तैयारी हो रहा है? ये अम्बेडकर बाबा का अथी हो रहा है। अम्बेडकर बाबा का ये हो रहा है काम ना, ये सारे लोग काम कर रहे हैं। देखिए सफाई हो रहा है इस तरह से लोग। क्या नाम है भैया? छोटन पासवान। क्या कैसा तैयारी हो रहा है? बहुत अच्छे से काम धाम हो रहा है यहाँ पे बाबा का, भीमराव बाबा अम्बेडकर का जी। वो जो संविधान दिवस का कार्यक्रम होना है उसके लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं ना जी। देखिए तो किस तरह से लोग तैयारी कर रहे हैं, सब लोग एकदम जोर शोर से जुटे हुए हैं और लोग हैं, कुछ युवा है यहाँ, गाइडलाइन कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कैसे क्या करना है। आइए उनसे पूछते हैं। क्या नाम है सर? रविंद्र कुमार चौधरी। क्या हो रहा है यहाँ? संविधान दिवस के कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है, इसी का साफ सफाई चल रहा है। अच्छा, 26 तारीख को जो कार्यक्रम होना है। देखिए यहाँ पे बाबा साहब की प्रतिमा है और बाबा साहब की प्रतिमा इस पार्क के ठीक बीचों बीच लगाई गई है। और भी लोग हैं। क्या नाम हो सर? मेरा नाम अवधेश कुमार हुआ जी। नगर पंचायत सुपरवाइजर। नगर पंचायत के सुपरवाइजर हैं जी। और यहाँ तो आज कार्यक्रम है तो आप साफ सफाई करवा रहे हैं, पहले भी करवाते हैं क्या? जी हाँ, पहले भी पहले भी करवाते रहे हैं। पहले भी करवाए हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम उपेंद्र कुमार है जी। नगर पंचायत के सुपरवाइजर हैं। सुपरवाइजर हैं। यहाँ संविधान दिवस का कार्यक्रम होना है यहाँ, उसी की तैयारी करवा रहे हैं। उसी के लिए तैयारी करवा रहे हैं ना जी। तो यहाँ जो लोग हैं आने वाले, उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्या कहेंगे जी? मेरे तरफ से धन्यवाद है, सब लोग आवे, इस कार्यक्रम को सुबह बढ़ाए, इस कार्यक्रम को बहुत जितना सुबह हो, जितना माने कि इसका विकृति हो जी, उसका माने कि उत्साह बढ़ावे, यही हम शुभकामना देंगे, उत्साह बढ़े जी। तो और देखिए और भी लोग हैं, उसे पूछे क्या नाम हो भैया? जय भीम। मेरा नाम सूर्यमणि गौतम हुआ, चिंटू डुंगी वाले जी। यहाँ जो कार्यक्रम होना है उसके विषय में लोगों को कुछ कहेंगे? बिल्कुल सर, ये कार्यक्रम सर राष्ट्रीय विकास संगम के द्वारा किया जा रहा है जी। और इसको वृहत रूप से गांव-गांव तक पहुंचाने के प्रयास के शुभारंभ समझ सकते हैं जी। तो ये प्रखंड लेवल से हम लोग स्टार्ट किए हैं और साल दर साल इसको पूरे बिहार से बाहर तक भी लेके जाएंगे, प्रसार करेंगे जी। और इसमें सब लोग आप देख ही रहे हैं, सब लोग पूरी मेहनत से लगे हुए हैं। और हमारे रविंदर जी हैं, बहुत सारे साथी हैं जो अभी दूर दूर गांव में फैले हुए हैं, सबका अपना अपना जो काम है वो कर रहे हैं और सब लोग लगे हुए हैं ताकि ये संविधान दिवस सक्सेसफुल हो जाए। और इस सक्सेसफुल हो जाने के बाद क्या होता है, लोगों में, नौजवानों में, बच्चों में संविधान के बारे में और संविधान के रचयिता जो हमारे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी हैं, उनके बारे में भी लोगों तक संदेश जाएगा और लोगों में एक उत्साह आएगा और संविधान के प्रति लोगों में समर्पण का भावना आएगा कि हाँ, संविधान से हमारा देश चलता है और इसको आगे बढ़ाने का हम लोग कार्य कर रहे हैं। चलिए और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम रोशन चौधरी हुआ, जय भीम। क्या कहेंगे यहाँ के लोगों को, जो लोग मतलब इन कार्यों में लगे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं, ये किस काम के, मतलब किस अवसर पर ये काम कर रहे हैं? देखिए, दिनांक 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जा रहा है, राष्ट्रीय विकास संगम संगठन द्वारा भव्य आयोजन है। यहाँ पे जितने भी लोग लगे हुए हैं, बड़ी उत्साह से लगे हुए हैं कि संविधान के बारे में हमारे जो नीचे स्तंभ के लोग हैं उनको जानकारी नहीं है, वो नहीं जा समझ पा रहे हैं, लोगों को दबाने का काम किया जा रहा है, संविधान की जानकारी नहीं होने के कारण, यही सब सोच करके राष्ट्रीय विकास संगम ने इस कार्यक्रम को यहाँ पे करवाने का आयोजन किया है। और जितने भी लोग यहाँ पे लगे हुए हैं इस कार्यक्रम में, सभी को बहुत बहुत दिल से बधाई और धन्यवाद करता हूँ। और तमाम
अम्बेडकरवादी एवं संविधान के मानने वाले देश के तमाम नागरिकों में संविधान दिवस का ढेर सारे शुभकामनाएं देता हूँ और मैं क्षेत्रीय स्तर और मुजफ्फरपुर जिले के तमाम नागरिक को मैं आमंत्रण करता हूँ राष्ट्रीय विकास संगम संगठन के आयोजित संविधान सभा में आके भाग ले। तमाम मुजफ्फरपुर वासी और जो भी लोग आपके न्यूज चैनल के अनुसार के द्वारा देख रहे हैं उनसे अपील करना चाहते हैं कि आप सभी रविवार को 26 नवंबर को संविधान दिवस है, तो आपको अगर थोड़ा सा भी समय निकलता है, कुछ अपना कीमती वक्त में से थोड़ा सा समय निकाल करके और तुर्की मुख्यालय में आने का कष्ट करें और इस संविधान दिवस को भव्य रूप से हम लोग मना रहे हैं उसको आप सक्सेसफुल बनाने में हमारा योगदान दें। इसी के साथ हम जय हिंद जय भारत करके देखिए। तो यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने किस प्रकार से जो हमारे दर्शक हैं जो हमारे चैनल के माध्यम से इस बात को सुन रहे हैं उनके बीच कैसे संदेश पहुंचाने का काम किया है। इन्होंने कहा है कि 26 नवंबर 2023 को जो कार्यक्रम होना है दिन रविवार को दोपहर 11 बजे से ये कार्यक्रम होगा और हम आपको बता दें कि ये प्रखंड मुख्यालय परिसर तुर्की में जो अंबेडकर पार्क है देखिए बाबा साहब की मूर्ति लगाई गई है यहीं पे ये कार्यक्रम होना है, इसी फील्ड में कार्यक्रम होना है और इसकी तैयारियां चल रही है। लोग किस तरह से सुबह से काम कर रहे हैं तो नाश्ता का समय हो गया, लोग नाश्ता कर रहे हैं। तो आप सब दर्शकों से आग्रह है इस कार्यक्रम में भारी से भारी संख्या में पहुंच करके और लाभान्वित हो, संविधान की जानकारी प्राप्त करें, जीवन में उतारने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।